हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आम के अचार की ट्रेडिशनल रेसिपी, जो मैं अपनी दादी और नानी से सीखकर आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये आम के अचार की रेसिपी। आज हम ट्रेडिशनल तरीके से आम का अचार बनाएंगे, जैसे हमारी दादी और नानी बनाती थी। इसके लिए मैंने 1 किलो आम लिया है, उसको अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 चम्मच हल्दी लगाकर 5 अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और 5 से 7 घंटे के करीब धूप में इसको सुखाएंगे। हमने अचार को पूरी रात काटकर नमक और हल्दी लगा के रखा था। देखिए इसमें कितना पानी आ गया है, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब इस एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे, इसी से हमारा अचार ख़राब हो जाएगा अगर नहीं निकालेंगे तो। अब हम एक्स्ट्रा पानी निकाल रहे हैं। देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है इसमें। अब हम इसको धूप लगाएंगे, अच्छी कड़क धूप लगाएंगे 4-6 घंटा तक, ताकि इसमें जो भी नमी है सब सूख जाए। हमने इन आम के पीसीस को अपनी बालकनी की छत पर, जहां तेज़ धूप आती है, वहां पर 12 बजे से 4 बजे तक की धूप में सुखा रहे हैं। इस तरह मैं सारे पीसीस को धूप में फैला दूंगी। इस तरह करने से आम के पीसीस में मौजूद एक्स्ट्रा नमी सूख जाएगी। आप चाहें तो इन पर एक पतली कॉटन की चादर भी बिछा सकते हैं, ताकि इन पर धूल मिट्टी ना आए। थोड़ा सुखाने के बाद मैं इनको उठा लूंगी, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, नहीं तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। हार्ड होने के बाद ये टेस्टी भी नहीं लगेंगे। जिस तरह मैं आम के पीसीस को फैला रही हूँ, उसी तरह आप भी फैलाइए। अगर हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे आम के अचार में फंगस जल्दी आएगी, उससे हमारा अचार फिर जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब हम मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून सौंफ लिया है, मसालों को हमें इतना रोस्ट करना है कि उसकी नमी दूर हो जाए, बस कलर चेंज नहीं करना हमें। इसी में हम सरसों डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। दो टेबल स्पून पीली सरसों है, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मंगरेल है, 1 छोटा चम्मच मंगरेल है। अब हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसी में लाल मिर्ची है 5-6 और 15-20 लहसुन है, इनको भी हम रोस्ट कर लेते हैं। अब इनको ठंडा करके हम तरबरा पीस लेंगे। Thank you.
लाल मिर्ची और लहसुन भी रोस्ट हो गया है। अब हम इनको दरबरा पीस रहे हैं। हमारे मसाले अब ठंडे हुए हैं, इनको सिर्फ दरदरा पीसना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, हमें पेस्ट नहीं बनाना है, ये दरदरा है। अब इसको हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अब हम मिर्ची भी इसी में पीस लेते हैं और लहसुन भी। अब इनको भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। देखिए इसका टेक्सचर। अब हमने एक कटोरी मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं और इसको मैंने गरम कर लिया था, गरम करके ठंडा कर लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून है, इसको भी इसमें हम ऐड करते हैं। और ये 1/2 टीस्पून हींग है। ये 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून नमक हमने मैरिनेशन में भी लगाया था। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस हमारी कैरी देखो, 2 दिन पहले इसको मैंने हल्दी और नमक लगा के रखा था, उसके बाद 4-5 घंटा अच्छी धूप दिखाई इसको, और अब इसमें देखो नमी बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हमारा अचार के लिए तैयार है। अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ताकि कोटिंग पूरी इन आम के टुकड़ों पर अच्छे से आ जाए। फिर हम इनको अच्छे से बांध के धूप में रखेंगे। हम जो भी बर्तन यूज़ करें सूखा ही करें, पानी का हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगी। देखिए हमारी कोटिंग कितने अच्छे से आ गई है। और हल्दी हमने ऐड नहीं करी है इसमें, क्योंकि हल्दी हमने मैरिनेशन में लगाई थी। अब हम आम का अचार चेक कर लेते हैं। 4-5 दिन से हमने इसको धूप में रख रखा था। अब हमारा ट्रेडिशनल तरीके से बनाया आम का अचार रेडी है। इसमें हमने जो मसाले ऐड किए हैं वो तो स्वाद से भरपूर हैं ही, लेकिन जो हमने लहसुन डाला है उसने आम के अचार का टेस्ट डबल कर दिया है। अगर आपको आम का अचार लंबे समय तक रखना है तो इसमें तेल और डालिए, ताकि लंबे समय तक टिका रहे। मुझे लंबे समय तक चलाना है, इसलिए मैं इसमें तेल और ऐड कर रही हूँ। ये 1/2 लीटर के करीब तेल है, इसको मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अब मैंने ये बर्नी ली है। अब हम ये अचार को इस बर्नी में पलट लेंगे। बर्नी को मैंने इसे अच्छे से सुखा लिया था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। गाइस हमारे पास ये बर्नी थी, इसमें मैंने पलट लिया है। इसमें आम का अचार सेफ रहेगा। आपके पास जो भी कंटेनर है कांच का तो आप उसमें रख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।